की निशानदही कराई है। उनमें से वो WHO के मुताबिक 10 स्किल्स हैं जो हाउसेस के थ्रू हमने बच्चों में डेवलप करने हैं। इन स्किल ये इनमें से एक स्किल है, ये स्किल 10 स्किल ये हैं: क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल, कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशंस, एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस। स्कूल के अंदर रहते हुए और इन हाउसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के दौरान ये 10 स्किल्स बच्चों में डेवलप होने चाहिए। हमने इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों के अंदर बच्चों में दे दी है। बच्चे जब वो एक्टिविटीज करेंगे, बच्चे जब उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्किल्स डेवलप होंगे, चाहे वो पेंटिंग हो, वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी कंपटीशन हो। हर कंपटीशन में जब बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और ये स्किल्स जो 10 स्किल्स हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं ये ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे। और आप जानते हो कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके तहत करिकुलर एक्टिविटीज में तो आपने ये तो उसमें तो आपने काम करना ही, उसमें पार्टिसिपेट करना ही है, मगर को करिकुलर एक्टिविटीज के भी मार्क्स रखे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वो आपके मार्क्स कार्ड पे उनका वो अवार्ड आपके मार्क्स कार्ड पे चढ़ते हैं। इसलिए हमें उम्मीद करेंगे कि आप इन एक्टिविटीज में आप भरपूर ये हिस्सा लेंगे और हाउसेस के अंदर रहते हुए आप हिस्सा लेंगे। हाउसेस का इसलिए कि एक हाउस ये हाउसेस में आपस में कंपटीशन डेवलप हो जाएगा, एक हाउस दूसरे हाउस को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये जो हाउस सिस्टम है ग्रुपिंग है, ये किस्म की बच्चों को ग्रुप्स में डालना है तो वो मिलजुल के दूसरे हाउसेस के बच्चों के साथ कम्पीट करेंगे, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, रीडिंग राइटिंग हो, सिंगिंग डांसिंग हो, गेम्स का कोई आइटम हो, या डिबेट हो, सिम्पोजियम हो, जो भी कोई हमारा आइटम होगी यहाँ से जो आप जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो वो हाउस के थ्रू ही करनी है। हाउस के थ्रू इसलिए करनी है ताकि आपको कंपटीशन ये कंपिटेटिव स्पिरिट डेवलप हो जाए, आपको मुकाबला करने की वो सलाहियत आ जाए। और उसके साथ साथ तुम्हें ये 10 स्किल्स जो हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताए हैं ये भी साथ साथ में डेवलप होते रहे। तो आप जानते हो कि जो हाउसेज के जो हाउस जो हुआ करते हैं स्कूलों के अंदर, उसके लिए भी हमें बाज़ाब्ता तौर पर गाइडलाइन मिली हुई है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से। उन हाउसेज के नाम बताए गए हैं: इको हाउस, पीस हाउस, विजडम हाउस और वेलबींग हाउस। और इन हाउसेज के बाज़ाब्ता तौर पर बैनर्स हैं और फ्लैग हैं। इको हाउस का जो फ्लैग है वो ग्रीन कलर का है, जो बच्चे यहाँ हमारे स्कूल पे पहले से ही उनको पता है। और पीस हाउस का जो फ्लैग है उसका कलर वाइट है, विजडम हाउस का कलर ऑरेंज है और वेलबींग का येलो है। तो हर रोज एक एक हफ्ता हर हाउस को स्कूल हमारे असेंबली में या पूरे स्कूल में एक एक हफ्ता काम करना होगा, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होगा। तो सबसे पहले जो महीने के शुरुआत जो ये स्टार्टिंग जो हमारा वीक है महीने का शुरुआती हफ्ता, उसमें इको हाउस अपनी कारकर्दगी अपनी वो जिम्मेदारियां संभालता है और उसके बाद पीस हाउस दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते विजडम हाउस और चौथे हफ्ते वेलबींग हाउस अपनी जिम्मेदारियां निभाता है स्कूल के अंदर। तो इसलिए अब हम मैं चाहूँगा कि अब जब हम नए सिरे से जब हम हाउसेज तशकील देने जा रहे हैं तो हाउसेज बनाने के लिए जो नियम है जो रूल है वो ये है कि हमें एक हाउस का एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है उसी हाउस का, और फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो वही लोग जो है बच्चों के बारे जो टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक पे बच्चों को वही अपने हाउसेज के बच्चों को वही बताते हैं कि भाई कल जो टॉपिक है जो उस्तादों ने हमें टॉपिक दिया है
इस पे कल कौन कौन बोलेगा या इस पे कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये जिम्मेदारी कैप्टन की है। और कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ आके डाइस पे आके मार असेंबली यहाँ से कंडक्ट करेंगे, यहाँ से जो भी एक्टिविटी होगी यहाँ से एंकरिंग करेंगे। ये जिम्मेदारी है कैप्टन की और वाइस कैप्टन की। और हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स मींस मॉनिटर जो होंगे वो भी भरपूर हिस्सा, वो भी भरपूर तावन करेंगे कैप्टन का, वाइस कैप्टन का, ताकि हमारे हाउस अच्छी तरह से चल सके। तो सबसे पहले हम जो हाउस बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो आप, मैं ये चाहूँगा कि आप सभी बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं और वॉलेंटियर हैं, अपनी मर्जी से जो कैप्टन बनना चाहते हैं, सभी बच्चे जो जो बनना चाहते हैं खड़े हो जाएंगे।